यहाँ पे सेंटर में, सेंटर में यहाँ पे मैम यहाँ पे टर्न होगा अभी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चलो बोल रहे ये लो भाई, एक मिनट रुक जाओ लेने तो दो। मैम आ जाइए भाई से। फोटो लेना है ले लीजिए, आ जाइए। भाई निकालो फोटो, कौन निकाल रहा है, निकालो। ये सेंटर बस यहीं से घूम जाओ, जाने दो। हाँ एक बार देखना, गायत्री जी सबसे पहले काफ़ी कमाल का ट्रेलर था और आज ये रिलीज हुआ, क्या कुछ रिस्पॉन्स अब तक आपको आए? एक्चुअली मैंने अब तक शो देखा नहीं है, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। अभी मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ देखूंगी, एंड ऑडियंस का जितने भी रिव्यूज़ हैं, रिस्पॉन्सेज हैं, मैंने सब कुछ देखा और मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, इतना प्यार मिल रहा है सब लोगों से, और मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को ऑडियंस ने इतना प्यार दिया अभी तक, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द टू वॉच द शो नाउ माय सेल्फ। क्या कुछ कहना चाहिए, अलग कॉन्सेप्ट है प्यार का, एक अलग कॉन्सेप्ट है, हमने आपको हर एक अलग अलग कॉन्सेप्ट में देखा, रही बात ढिंडोरा की हो या फिर ये इश्क एक्सप्रेस। आप कुछ बताना चाहोगे ध्रुव के साथ किस तरह की केमिस्ट्री आपकी थी? सो बेसिकली ऋत्विक और मैं पहले भी काम कर चुके हैं एक साथ इश्क एक्सप्रेस में, जिसमें हम लोग एक ट्रेन में, हमारी लव स्टोरी थी। तो आई फील लाइक हमारे कंट्री में बहुत रोमांटिसाइज करते हैं हम ट्रैवल जर्नीज़ को और प्यार को, और आई फील रोमांस नेवर गेट्स ओल्ड, यू ऑलवेज लव वॉचिंग लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडीज एंड फिल्म्स एंड वेब शोज़। तो आई फील लाइक हमने वैसा ही कुछ रिक्रिएट करने की कोशिश की है, जिसमें हम वी हैव जस्ट बिन वेरी ऑनेस्ट कि हमने वही किया है जो हम ऑनेस्टी से करते हैं, एंड आई होप ऑडियंस को उतना ही पसंद आया जितना हमें मज़ा आया था बनाने में शो। ये हाईवे पे है और इसके पहले ट्रेन में था, कुछ अगर बताना चाहोगे ध्रुव के साथ जब बात होती है, एक अलग ही रोमांस होता है आप दोनों के बीच में, अगर कुछ बताना चाहो उसके बारे में, क्या कुछ ऐसी बात है जो इतना अच्छा केमिस्ट्री? एक्चुअली आप में से बहुत लोग होंगे जो रैंडमली स्ट्रेंजर्स से मिलके जिनकी कहानियाँ शुरू हुई होंगी या फिर प्यार भरी बातें हुई होंगी, या आप कभी फ्लाइट पर जाते हो तो आपको कभी कोई क्यूट सा स्ट्रेंजर मिला है जो आपके साथ बैठा होगा, आई एम श्योर मिला होगा, बिकॉज यू नो दैट्स व्हाट वी हैव ट्राइड टू रिक्रिएट। और इस स्टोरी में भी इनाया जो मेरा कैरेक्टर है, बहुत बोल्ड कैरेक्टर है, शी नोज़ व्हाट शी वॉन्ट्स इन लाइफ, उसको पता है कि टायर का पंक्चर कैसे फिक्स करना है, उसको सब जगह पे यू नो शी टेक्स द लीड। और ऋत्विका जो कैरेक्टर है बहुत शाय, रिजर्व्ड, ऑकवर्ड, लाइक उसको लड़कियों से बात करना नहीं आता ज़्यादा, बट दिस टाइम लाइक हाउ सच कॉन्ट्रास्टिंग एंड ऑपोजिट पर्सनैलिटीज कम टुगेदर एंड हाउ दे जस्ट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर सो वेल, और दोनों एक दूसरे को हाउ दे फॉल इन लव, एंड बहुत ही अन यू नो फोरसीन लव स्टोरी है, तो इसको आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, अनएक्सपेक्टेड है, सो लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स आर देयर, कि जैसे एक नॉर्मल रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है, बट फिर भी प्यार उतना ही रहता है एक दूसरे में, तो वही हमने करा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आने वाले दिनों के लिए, अच्छा रिस्पॉन्स आए लोगों की तरफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।